छिंदवाड़ा जिले के हर्राई विकासखंड में सरकारी निर्माण कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। लगातार खनिज मद और तामिया परियोजना सहित अन्य निर्माण कार्यों में 5-7% की दर से सेटिंग बाज ठेकेदारों को काम दिया जा रहा है। ठेकेदारों के साथ मिलकर अधिकारियों के द्वारा सरकारी राशि का बंदरबांट किया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि ग्राम पंचायत छापरा सिवनी के ठेकेदार भी इस धंधे में लिप्त हैं। आंचल कुंड में दादाजी के नोतपा समाधि स्थल पर 25 लाख रुपए की लागत से पुलिया बनाई गई। गुणवत्ताहीन सामग्री लगाकर घटिया पुलिया का निर्माण किया गया। इस निर्माण कार्य ने ठेकेदारों और अधिकारियों की साठगांठ की पोल खोल कर रख दी है। आंचल कुंड टोला में 15 लाख रुपए लागत से बनाई गई पुलिया पहली बारिश में ही बह चुकी है। नोतपा समाधि स्थल पर ही 15 लाख रुपए की लागत से स्नान गृह और घाट का निर्माण किया जाना था। इस कार्य में भी जमकर भ्रष्टाचार किया गया। स्थानीय अखबारों के द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया, जिसके बाद ठेकेदार को शर्म आई और उसने बेशर्मी से बचने के लिए पुलिया का एक बार फिर निर्माण कराया। भ्रष्टाचार की कहानी यही नहीं थमती है। ठेकेदार के द्वारा बसूरिया खुर्द और कला में भी 15-15 लाख रुपए की लागत से पुलियों का निर्माण किया गया। हालांकि यह पुलिया धरातल पर नजर ही नहीं आ रही है। अधिकारी और ठेकेदार मिलकर इस राशि को हजम कर चुके हैं। चित्तहीन पुलिया बनाकर रख दी गई है। इसका उपयोग जनमानस कर ही नहीं पा रहे हैं। घटिया निर्माण कार्यों की शिकायत ग्रामवासियों के द्वारा लगातार की जाती रही है। छपारा के ठेकेदार के द्वारा राशि लगातार हजम कराई जा रही है। तक जो निर्माण कार्य हुए हैं वह तकनीकी दृष्टि से गुणवत्ताहीन बताए जा रहे हैं। नागरिकों ने पुनः सारे निर्माण कार्यों की सूक्ष्मता से जांच कराने और जवाबदार अधिकारियों सहित ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। नागरिकों ने कहा कि संबंधित ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया जाए, उसकी संपत्ति को कुर्क भी किया जाए और सरकारी खजाने की राशि को वसूला जाए। आदर्श न्यूज के लिए पत्रकार रहमान शाह मरावी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आदर्श न्यूज को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। साथ ही अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें।